और हमारे बहुत ज्यादा उसके अंदर कोटा के अंदर गमन हो रहा है। तो एक कोटे को खा जाते हैं और एक देते हैं मशीन के अंदर दोनों घटा। मैं इसको समझाया, ये मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की। मशीन के बारे में ना तो मेरे को पता, सिर्फ मैं तोलने पर रहता हूँ। आज संक्रमित है मुकेश जी और बहुत सारे लोगों ने जैसे मास्क भी नहीं लगा रखा, इसका क्या मतलब, ये इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? आप रहेंगे या फिर नरेश जी? आप कहाँ से? खैरा मैडम। अच्छा, खैरान से आप यहाँ भोजावास कोटा बांटने के लिए आए थे? तीन लोग बाहर के कोटा बांटने आते हैं भोजावास गांव में, और तीनों लोग कर रहे हैं गबन। जब लोगों ने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ की पंचायत ने उनको पकड़ा, तो एक बंदा उसमें से भाग चुका है यहाँ से, सुंदरे से जो कैंडिडेट था, क्या नाम था जी उनका? और 400 करोड़ का लगभग कितना कोटा बनता होगा? लगभग अगर करें तो 200 क्विंटल माल, 20 किलो गेहूँ मिला जी, 1 किलो चना मिला जी। और मिलना क्या क्या चाहिए आपको? ये भी डबल में तो डबल ही होगा जी। जो भी आवाज उठाना चाहे उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि भाई इसकी आवाज़ ना उठाए। दबाने की कोशिश करते हैं, पैसे के दबाव से, कोई प्रशासन के दबाव से, कोई धमकी के दबाव से हुआ था। पर इसने वो कोटा बांट दिया नहीं, जैसे बीच में दो बार पकड़े मैंने, अच्छा, पांचवे महीने में और आज ये सातवें जुलाई में। आज का भाई, मैं अनिल पंच बोल रहा हूँ भोजावास से, और हमारे भोजावास के अंदर कोटा के अंदर गमन हो रहे हैं। किस तरह का गमन हो रहा है? जैसे डबल कोटा है हमारा, अच्छा, तो एक कोटे खा जाते हैं और एक देते हैं मशीन के अंदर दोनों चढ़ा देते हैं। एक महीने के लिए डबल आया हुआ है? डबल आता है, जैसे पीएम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ऐसे डबल आ रहे हैं। अच्छा, ये कब से आ रहे हैं? ये मतलब लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ है। लॉकडाउन के बाद में शुरू हुआ है, तो दोनों नहीं मिल पा रहे या एक नहीं? नहीं, जैसे पिछले महीने से मतलब 5/2018 को एक कोटा गमन कर गए थे, ठीक है, तो मैंने ये 23 तारीख कोटा बांटा उस टाइम पकड़ में किया। मैं इसको समझाया, ये मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की, भाई मैं जो भी तेने कुछ ये पैसा चाहिए गेहूँ चीतू ले जाए, और ये कोई गरीब नहीं, मैंने इसको लड़की शादी करनी है। मैं इसको समझाया ना खाऊ ना खाने दे, उसको समझा दिया, बोले ठीक है 30 तारीख को कोटा इसने बांट दिया। आपके पास क्या प्रूफ होता है कि भैया? ये ऑनलाइन चेक है, ऑनलाइन चेक है, जिसमें दो बार एक महीने का। हाँ, आप जैसे लेंगे उसमें ऑनलाइन डबल चढ़ रहा है। अच्छा, एक नमक की थैली और एक एक बार का गेहूँ डबल चढ़ कर चुके। तो ये आपके पास में कोई ऐप है या? ऐप है, ये ऐप है, ये राशन कार्ड वाला है। एक मिनट, आप इसको करो, ये फूड विभाग का ऐप है। अच्छा, इसमें मतलब अगर आप देखते हैं, जैसे अपना कोटा लेके आने में देखता हूं जी, इसमें कितना क्या क्या मिलेगा? अच्छा, तुरंत इसमें है। तो अगर दो तरह के राशन मिल रहे हैं, पहला कौन सा राशन मिलता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल? सर इतना तो मेरे को नहीं पता, पहले क्वेश्चन, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों राशन आते हैं। ये है देखो, तो जो मुख्यमंत्री राशन है वो पहले से मिल रहा है या प्रधानमंत्री? पहले क्वेश्चन, अभी बताता हूँ आपको। ये मेरा राशन कार्ड नंबर है 066003887। अभी इसमें ऑनलाइन मेरे को क्या दिखा रखा है, 25 किलो गेहूँ, अच्छा, 1 किलो शुगर, 1 किलो नमक, 2 किलो तेल, अच्छा, फिर 25 किलो गेहूँ। जो प्रधानमंत्री वाले आने थे, एक प्रधानमंत्री योजना का, एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। ये कौन से महीने का है? ये 7वें महीने का, आज की है। तो आज ये गेहूँ चढ़ा है, 1 किलो दाल है, अच्छा, दाल है या चने है। आपको मिला क्या क्या इसमें? मेरे को मिला 25 किलो गेहूँ, अच्छा, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना। नमक मिला क्या? नहीं, नमक 25 किलो गेहूँ और 1 किलो नमक नहीं मिला। नहीं मिला, जो वो इसमें से ऑनलाइन चढ़ा है, इसमें ऑनलाइन चढ़ चुका है। ये सभी कैसे साथ हो रहे हैं? सभी के साथ ऐसा, जो भी आवाज उठाना चाहे उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि भाई इसकी आवाज ना उठाए। अच्छा, किस तरह से दबाने की कोशिश करते भाई? पैसे के दबाव से, कोई प्रशासन के दबाव से, कोई धमकी के दबाव से, हर तरह से, मतलब इसमें। वैसे आपको हर महीने लगातार मिल रहे हैं? हाँ नहीं, बीच में मिल रहा है, जैसे एक एक जैसे दो आ रहे हैं, एक मिल रहा है। कहने का मतलब वैसे लगातार मिल रहा है? हाँ, लगातार महीने मिल रहा है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से आपका कहना है कि एक राशन मिलता है, एक नहीं मिलता? जैसे बीच में दो बार पकड़े मैंने, अच्छा, पांचवे महीने में और आज ये सातवें जुलाई में, जुलाई यानी कि मई और जुलाई का ये। आप क्या कह रहे थे बाबा? मैं यही कर, तो 150 का राशन कार्ड का कोटो दियो चार्ज, और 150 को डबल चढ़ गयो और मिलो सिंगल से। आपको क्या क्या मिला है? 20 किलो गेहूँ मिला जी, 1 किलो चना मिला जी। और मिलना क्या क्या चाहिए आपको? ये भी डबल में तो डबल ही होना चाहिए। तो SDM साहब से बात हुई थी, सरपंच साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? भाई मैं गांव में था नहीं, और मेरे कोई पंत ने फोन करके और जब बुलाया कि भाई कोटा के अंदर ये धांधली हो रही है, मैंने से आखिर पूछा है, मुकेश जो कोटा धारक है उसको पूछा है, तो उसने कहा जी भाई ये मैं
बांट दूंगा, 31 हलक बांट दूंगा। तो ये मैंने कहा कि ऑनलाइन क्यों किया तुम जी, भाई आज बांट देना था या फिर बताना था। अच्छा नहीं, ये तो बात सही होगी, लेकिन अनिल पंच कह रहे हैं कि एक और मई में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ ऐसा हुआ था, पर इसने वो कोटा बांट दिया था। जून में दोनों एक साथ बांट दी थी, दोनों बराबर चले जून के अंदर। तो ये इसी जुलाई में और मई के अंदर हुआ, मतलब दो बार में ही चेक किया, दोनों बार पकड़ में आए मेरे। अच्छा, पांचवें महीने में और सातवें महीने। और अप्रैल का क्या? उससे पहले जो गमन था, देखो ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास था नहीं, और ये ऐप मिलने के बाद में हमने जब भी इसको चेक किया सही चल रहा है। तो ऐप की अगर बात करते हैं, अप्रैल का चेक किया आपने? हाँ वो सही है। अप्रैल में क्या दिख रहा था सर? अप्रैल में तो अभी आ जाएगा, अप्रैल में 7 दिन कोटे बैठे थे, 14-28 दिन के लिए वो कर रखा था। अच्छा, मैंने ये बंदे बुलाए थे, फिर उसके बावजूद आप कोटा कैसे बांट रहे? मैं नहीं बांट रहा था, ये बंदे बांट रहे थे। अच्छा, तो मैंने बुलाए थे, मतलब मैंने इनको ना कही थी भाई तुम्हें एक बार ये काट दो, दोबारा मशीन चलानी पड़ेगी, एक पैसा को है एक फ्री को, मैं पैसा वाला दम बांट दो, बाकी फिर ये तो लेनी होती चंदा लिस्ट कटवा देता हूँ, ये अपना बांट दे। ये आपने किसी से बताया? किसी को बताया? किसी को नहीं, इसे मैंने परमिशन दी थी आपने। सरपंच साहब, एक चीज़ और देखने के आ रही है, आपके गांव के यहाँ पे कोटक लेने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जबकि यहाँ पे एक संक्रमित है मुकेश जी, और बहुत सारे लोगों ने जैसे मास्क भी नहीं लगा रखा है, इसका क्या मतलब, ये इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? आप रहेंगे या फिर रहेंगे? सुनो, मुकेश यहाँ नहीं था, ये तो मुकेश बुलाया गया है, ये पंच ने बुलाया है। जैसे नहीं, मुकेश यहाँ नहीं था, मुकेश तो अपना घर पर था, और अपना दो वर्क बुला रखा है, बाहर था आदमी, वो कोटो बैठ रहे थे, और ये तो सब एक तो भीड़ तो कट कट से भीड़ है। आपका परिचय बताएंगे जी साहब? मैं नरेश कुमार। नरेश जी, आप कहाँ से? खैराना गाँव। अच्छा, खैराना से आप यहाँ पहुँचे और कोटा बांटने के लिए आए थे, क्या आपको अथॉरिटी दी हुई है मुकेश जी ने कि आप यहाँ पे कोटा बांटने? हाँ, मुकेश जी ने बुलाया, इस मुकेश जी ने बुलाया था, या फिर जैसे महकमे के किसी व्यक्ति ने भी आपको अथॉरिटी दी है? ना, महकमा किसी ने नहीं दी है। अच्छा, ये जो गबन हो रहा है, जो गाँव वाले कह रहे हैं कि भाई दो दो कोटे आए हुए हैं, एक बट रहा है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? गबन का मतलब जी? ना बिल्कुल सच होता है जी, हम तो पीछे का मतलब गलत ना बताइए, हम गलत ना बताएंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक महीना को मतलब ये पैसा वाला भी देर हो जाए, आखिरी वाला ये 2-3 दिन बाद में देगा जी। आपने ना फिर मुकेश जो कह रहे वही कह रहे बांटने के लिए आए हुए थे, मुकेश जी के आप रिश्तेदारी में हैं, परिवार में हैं, कैसे हैं? ना परिवार। तो किस तरह से आप यहाँ पहुँचे? बुलाया, क्योंकि मुकेश जी संक्रमित हैं फिलहाल, वो क्वारंटाइन है, तो आपको बुलाया गया था, तो अगर आप यहाँ पे पहुँचे तो किस आधार पे पहुँचे हो? हमने इतना जरूर कौन कौन बैठा थी ना। तो ये जो गबन वाली बात कर रहे हैं, ये क्यों है? आपने बताया कि भाई पैसे वाला तो अभी देने, फ्री वाला बाद में, लेकिन दोनों एक साथ चढ़े हैं, उसका क्या कारण है? फिर देखो जी, 1 तारीख नहीं, वो माल नहीं निकला जो रह जाएगा, तो बाद में माल नहीं मिले। ऐसा ही पीछे हुआ था क्या, उसकी जानकारी है आपको कुछ? ना पीछे कोई जानकारी जी, पिछले महीने तो मैं आया भी था जी, 18 मई जून में मैं आया था, जून में डबल ही बांटे थे जी। आपके साथ में और कौन कौन है जी, जो अभी ये कोटा दे रहे हैं? और कोई भी ना जी, कोई भी खड़ा हो जाए तो आप भी बैठ जाओ। ऐसे कैसे बैठ जाते हो? आप तो खाली कार्ड नाम बोले, आप तो मशीन तो वही लेके बैठे थे, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तीन जने थे। अरे राजेंद्र, आनंद, आज आज और जब हमने बात करनी चाहिए तो दोनों के दोनों या तीन लोग जो गांव वाले बता रहे थे वो अंदर थे, जब बार बार बोलने के बाद में, आप देख ही रहे थे वीडियो के अंदर, बार बार बोलने के बावजूद उसके बाद में ये बाहर आए, और बाहर आने के बाद में सही से तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के जो मेन जो कोटा बांटते हैं, यहाँ पे राशन देते हैं, वो क्वारंटाइन है, और वो क्वारंटाइन है, तो उसके बाद में भी यहाँ पे जो कोटा बांटा जा रहा है और गबन किया जा रहा है,
बात ये गंभीर है, प्रशासन को इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। कहाँ है जी दूसरे साथी जी? अपना शुभ नाम जी? हाँ भाई। आनंद जी आप कहाँ से हैं? मोहनपुर। आप मोहनपुर से हैं? तो सर यहाँ पे आपको कोई अथोराइजेशन लेटर मिला हुआ है कि भाई आप यहाँ पे कोटरा बांटें, या यहाँ पे मुकेश जी जो यहाँ पे है उन्होंने कोई लिखित में दिया हो आपको? मुकेश जी ने बुलाया था। कुछ लिखित में दे रखा हो? लिखित में नहीं दिया। वैसे आपके मुकेश जी आपके रिश्तेदार हों या फिर वैसे साथी हैं यहाँ पे, जो ये गबन वाली बात आ रही है इसके पीछे आप क्या कहेंगे? गबन की नहीं जी, वो बोले दो दिन बाद बांट दूंगा मैं, और ये दीपचंद है ना जो तोड़ने वाला उसको लिस्ट दे देंगे। दीपचंद जी को मैं जानना चाहूँगा कहाँ पे हैं जी? मुकेश को फोन करो, मैं चौकीदार कने फोन कर दियो भाई पंता ने बुला लिए, तू खुद चले जाइए। तो उरे पंच भी था मौजूद भाई, पंता नू तो क्या बेरो भाई के थड़ा रह के ना, वे तो डिस्टेंस मेरे पास सुबह चौकीदार गए थे, बोले दो दिन कोटा बांटेगा, उसके बाद कोटा नहीं मिलेगा, सभी को इन्फॉर्मेशन कर दे। अच्छा अच्छा, ये चौकीदार ने कही, चौकीदार सत्यवान को बोली होगी, सत्यवान चौकीदार ने मेरे से कही बोल दो दिन कोटा बांटेगा, उसके बाद कोटा नहीं बटेगा, तो सभी को इन्फॉर्मेशन कर देना। अब ये बोले तीन चार दिन बाद दोबारा बात, बात तो यही आ रही कि भाई अभी चढ़ा करके तीन चार दिन के बाद में एक तारीख से पहले खत्म करना है। यही बात कह रहे हैं दीपचंद जी। हाँ जी, क्या मैटर है? आप कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव भोजावास है भाई। आपका गाँव भोजावास है, तो ये क्या मैटर है? क्या आप हमेशा तोलते हो? हाँ तोलता हूँ हमेशा। तो आज ये क्या मैटर है, क्यों गबन हो रहा है? मई में भी हुआ बताया है, मशीन के बारे में ना तो मेरे को पता, सिर्फ मैं तोलने तोलने पर रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो तोलने की बात करते हैं उसमें बराबर जा रहे हैं? हाँ, जो ऐसा है कि मेरे पास पर्ची आती है, अब किसको क्या देना है किसको क्या नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें देखना चाहेंगे, दीपचंद का तो कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ तराजू के पास में रहते हैं, बात करते हैं कि अभी जो सिर्फ है हमारे पास में, आपका क्या नाम बताया था सर? आनंद जी और नरेश जी। सर चौथा भी है जी, तीसरा आदमी कौन है? बात करते हैं कि यहाँ पे जब इनके साथ में, वो भी क्या किसी बाहर से गांव से था? पता हो कौन से गाँव? ये बताएंगे साथ, कौन से गाँव किससे था जी? तीन लोग बाहर के कोटा बांटने आते हैं भोजावास गांव में, और तीनों लोग कर रहे हैं गबन। जब लोगों ने यहां पे पकड़ा, यहां की पंचायत ने उनको पकड़ा, तो एक बंदा उसमें से भाग चुका है यहां से, सुंदरे से जो कैंडिडेट था, क्या नाम था जी उनका? राजेंद्र। राजेंद्र जो बताया गया है वो यहां से जा चुका है, और गबन यहां पे हुआ है। गबन आपको बता दिया गया है, यहां के लोगों ने गबन क्या हुआ ये बता रहे हैं कि यहां पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से दो कोटे मिलते हैं, जो संक्रमित बीमारी चली हुई है उसके माध्यम से एक कोटा एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो एक ही कोटा इनको मिल रहा है। लेकिन ऑनलाइन ऐप ये डेवलप होने के बाद में जब लोग जागरूक हुए, तो उन्होंने देखा कि एक कोटा मिलने के बाद में एक कोटा डायरेक्ट वैसे चढ़ा रहे हैं, यानी कि लोगों का जो अनाज जो राशन आ रहा है वो बिल्कुल खा रहे हैं कोटा में। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कोटा बांटने वाला व्यक्ति है मुकेश, वो क्वारंटाइन है, वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है, यानी कि 28 तारीख तक क्वारंटाइन है। उसके बावजूद जब गाँव वालों ने उनसे पूछा, यही बात हुई होगी सर, उन्होंने पूछा होगा कि भाई कोटा कब बांटोगे, तब उन्होंने बताया होगा, इनको बुलाया होगा, यही है क्या सर? इस बात का मालूम नहीं है। सरपंच साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? ये मुकेश ने बुलाया है, मेरी कल मुकेश से बात हुई थी, मैं भाई कोटवा रहे मैं बुलवा रहे थे, मैं तो इस पर बांटू नहीं, पर मुझे ये नहीं पता, मेरे को फिर शाम ने फोन कर उसे भाई मैं तड़के कोटो बटवाऊंगा, तू मेरे को बटवा दे, तू तो अपने घर रहो, और उनको ना बटवा देता है। कैसी हुआ था जी? मई का जो कोटा मिला था उस कोटे में भी ऐसी हुआ था, एक दिया गया एक परचेज नहीं करवाया गया, ऑनलाइन जब दो कोटे चढ़ाए गए थे। आपका शुभ नाम, आपका परिचय? मेरा नाम करमवीर नाम है जी। हाल ही में आप पंच हैं? हाँ जी। अच्छा, तो करमवीर जी फिर आपने कैसे उसको पकड़ा और किस तरह से वो बात दबाई गई? वो सर दबी नहीं, फिर वो कोटा बांटना पड़ा। लगभग कितने कार्ड हैं सर आपके यहाँ पे? 400 कार्ड। और 400 कार्डों का लगभग कितना कोटा बनता होगा? लगभग अगर करें तो सर 200 क्विंटल मान लेने, 200 क्विंटल की एक महीने में 200 क्विंटल का सीधा मार्जिन ले रहे हैं कोटा बांटने पर। एक चीज और बताइए सर, पिछली बार जब मई में बांटा गया था तो यही लोग थे या फिर किसके द्वारा बांटा गया था? उस टाइम तो मुकेश के द्वारा बांटा गया था उस टाइम पे, ये है ना देखिए। थोड़ा बड़ा करके साइज 26/7/2020 इसमें डबल चढ़ जाएगा। छब्बीस सात का हो गया जी, और ये 23/6 का चढ़ा हुआ। अच्छा, इसमें जैसे कि 25 किलो तो ये हो गया,
उसके बाद में ये एक किलो यहाँ पे शुगर हो गई, एक मिनट रुको, किलो को नहीं आ रहा, ये कोई बात नहीं, एक किलो चीनी है। अच्छा आगे चलना है, एक किलो साल्ट, साल्ट में भी है, ये आपको मिला है साल्ट? नमक नहीं मिला, चीनी मिली है आपको? चीनी मिल चुकी है, तेल अच्छा, मिल चुका है, तेल मिल चुका है, 25 किलो ये फिर नहीं मिला, ये फिर नहीं मिले, यानी दोबारा चढ़े हुए हैं। और एक किलो गेहूँ दाल है ना, चने मिले, चने मिले, यानी कि 25 किलो गेहूँ फिलहाल आपको नहीं मिले और एक किलो नमक नहीं मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।